वेंकी, हम उस देश में रहते हैं जहां आज भी 15 साल लगते हैं एक रेप का डिसीजन आने में। मुझे नहीं पता अभी ये डिसीजन क्या आया है या क्या आने वाला है। कहते भारत की शायद एक नई राजधानी बन गई है आज की पंचकुला, आर्मी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गई है, उस राजधानी को रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंच गई है, चंडीगढ़ पुलिस भी पहुंच गई है, पंचकुला पुलिस भी आ गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। वेंकी, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? 15 साल फॉर अ डिसीजन ऑन रेप, वेदर गिल्टी और नॉट गिल्टी वो कोर्ट का काम है, पर आपको क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो गुस्सा आता है सर इस बात पे, जब 15 साल एक रेप केस को सुलझाने के लिए, फॉर जजमेंट के लिए जब 15 साल लगता है तो इस देश का कुछ नहीं होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। और दूसरी बात, क्या हर लड़की जिसको मॉलेस्ट किया जाता है या जिसका रेप किया जाता है, क्या उस हर लड़की का नाम निर्भया नहीं हो सकता? क्या एक बाध्य टाइम नहीं हो सकता कोर्ट का कि इतने टाइम में हम रेप का जजमेंट देंगे ही देंगे? क्या विचार आपके? सर, ये जजमेंट देने के बाद भी कैसा होता है, 7 साल बंदा अंदर रहता है और फिर बाद में बाहर हो जाता है। एक्सट्रीम सजा जो है वो अभी तक अपने इंडियन पिनल कोड में नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक गल्फ से हैं, वो कहते हैं वहां तो सिर काट के साइड में कर दिया जाता है, वो होना चाहिए, कैस्ट्रेशन कर दी जाती है, वो अपने कंट्री में भी होना चाहिए सर। फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस दिन ये होगा ना सर, ये रेप केसेस अपने आप बंद हो जाएंगे, लड़कियों की तरफ देखना ये लोग भूल जाएंगे, जो भी रोमियो सड़क छाप घूमते रहते ना भाई, ये देखना बंद हो जाएंगे। वेंकी, आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हो वहां पे लड़कों को पढ़ाते हो, लड़कियों को पढ़ाते हो, या कोएड कॉलेज है? नहीं सर, दोनों है, जेंडर दोनों है, मेन भी है और विमेन भी है। यस सर, बट मैं कुछ सेक्स एजुकेशन और एडोलेसेंस एजुकेशन के ऊपर भी बातें कभी कभार किया करता हूँ जी, जिसमें मेन जो होता है ये रेप करने वाले की गलती होती है या जो भी है, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये रेपिस्ट का जो माइंडसेट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेपिस्ट का माइंडसेट ऐसा बनता क्यों है? वो उसका सर, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, जिस परिस्थितियों में वो रहता है, उसके ऊपर होता है। भारत में रेप की क्या सजा होनी चाहिए, ये आप अपने मन में विचारें, राइट? कमेंट्स में लिखें, हाँ। वीडियो को शेयर करें, राइट? किसी एमपी को, एमएलए को जानते हैं तो उसको इस वीडियो में टैग करें, टैग कर दो, राइट? ऐसे ही बदलेगा भारत? यस सर, नहीं बदलेगा लेकिन लेकिन बदलने आप और मैं आज यहां क्यों खड़े हैं दर्शकों के सामने? क्योंकि हम बदल के छोड़ेंगे, हम होंगे कामयाब। भारत में बेटी सुरक्षित की जाएगी, बेटी बचाओ। अगर पार्लियामेंट के लॉज नहीं पास कर सकते तो उतर जाएंगे हम भी सड़कों पे यार, ऐसी क्या बात है? अगर हम वीडियो के सामने आ सकते हैं तो हम सड़कों पे भी तो जा सकते हैं, जा सकते हैं। अरे भाई, आफ्टर ऑल 1.5 लाख लोग बाबा राम रहीम की सपोर्ट के लिए पहुंच गए ना सड़कों पे, शर्म आनी चाहिए सर। नहीं नहीं देखो, टू प्रोटेस्ट एंड टू सपोर्ट इज एवरीवन्स राइट, व्हाट वी आर सेइंग, हाँ आपकी बात सही है कि शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा पार्लियामेंट है जिसमें लेडी एमपीज भी हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन नहीं होती भारत में, हाँ। पार्लियामेंट में औरतों के लिए, एग्जैक्टली। शायद सबसे शर्मनाक बात यही है। इन विचारों से सहमत हैं? शेयर कीजिए, बेशर्मों की तरह शेयर करना और इतनी गूंजना, ये आवाज इतनी गूंजे कि आज रात को ना सोने के पहले हर पार्लियामेंटेरियन की ना जहन में आए कि लोग, जनता ऐसी बातें कर रही है सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर वेंकी, वन ऑफ आवर व्यूअर्स हु हैज कम टू मीट अस टुडे।